आसान करना इतना भी मुश्किल नहीं, हमारी नई क्राफ्ट से बनी चीजों से ये साबित होगा। हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं डोनट वॉच, एक फ्लेमिंगो पेंटिंग, एक पांडा ग्लास और भी बहुत कुछ। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण ग्लास भी आपके दिल को खुश कर सकता है अगर आप इस पर थोड़ा काम करें तो। पांडा की एक तस्वीर निकाली, इस कागज के टुकड़े को ग्लास में रखें, एक परमानेंट मार्कर लें और ग्लास की तस्वीर के अनुसार आउटलाइन बनाएं। सभी लाइनें सावधानी से बनाएं। हर भाग पर शेड करें। पेंसिल को निकालें। मार्कर के सूखने पर आप ग्लास को रोजाना की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ही पीना, अब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब लें फ्रेम और एक हिरण की कागज पर बनी तस्वीर। फ्रेम के सफेद बैकग्राउंड पर काली स्ट्रिप बनाएं और अब डबल टेप की कुछ स्ट्रिप लें, उन्हें एक साथ जोड़ें, इन्हें इस तरह से रखें, इनके ऊपर स्टेंसिल रखें और हिरण को काट लें। इन्हें काट लें, स्ट्रिप वाले बैकग्राउंड के ऊपर चिपका दें, उसके ऊपर वाली फिल्म को निकालें, तस्वीर के ऊपर ग्लिटर छिड़कें, ग्लिटर जितना ज्यादा हो सके उतना डालें, जिसमें तस्वीर में काफी सारे रंग आ जाएं। फालतू ग्लिटर को हटा लें और ये बन गया एक चमचमाता हुआ हिरण। बहुत ही बढ़िया, हम मना नहीं कर पाएंगे। ऐसी खास चीजें वहाँ रखें जहाँ सबकी नजर पड़े। अब आपको चाहिए एक रंगी मोटी तार की फॉइल। इसका एक सिरा पकड़ें और इसे अपने नाम के अक्षरों के आकार में मोड़ें। आखिरी अक्षर पर दो बार लपेटें, जिसमें आप अपना कोई नॉट लगा सकें और इसमें से एक लंबा स्ट्रैंड निकालें। प्लायर की मदद से इसे सही करें और एक हॉट लुगर और कुछ सजावट का सामान लें। सुंदर फूलों और बोज को तार पर चिपकाएं और हर कोई जान जाएगा ये किसका डेस्क है और स्टिकी नोट्स हमेशा सामने रहेंगे। अगले आइडिया के लिए कुछ प्लास्टिक के स्ट्रॉ लें, उन्हें कैंची से आधा काटें, छह टुकड़े लें, उन्हें हेक्सागन के आकार में रखें और एक दूसरे से चिपकाएं। इस तस्वीर के आसपास ऐसे और आकार बनाते जाएं। ग्लू के सूखने पर ग्रिड को अपने काम करने वाली जगह पर टांगें। देखिए कितना आसान है, इस पर अलग अलग तरह के रिमाइंडर्स टांगें। अब जरूरी है इन पर चिमटियां लगाकर इन्हें टिकाना। इस क्राफ्ट के लिए आपको चाहिए एक हैंडल वाला लकड़ी का डिब्बा और पेंट, मास्किंग टेप लें और उन्हें नीचे बनी लाइनों के अनुसार चिपकाएं। अब अलग अलग रंगों से ब्रश से रंग करें। अपनी पसंद के कोई भी रंग चुनें। अब आप एक जगह पर रंग कर चुके हो तो टेप निकाल लें। बस एक साथ जुड़े डिजाइनों को पेंट के सूखने पर टेप से अलग करें। जब डिब्बे का सारा निचला हिस्सा पेंट होकर गया हो तब उस पर वार्निश लगाएं। थोड़ी देर इंतजार करें ताकि वार्निश सूख जाए और चमकने लगे। अब डिनर तैयार है, खाने का आनंद लें। इस ट्रे पर हर डिश अपने आप ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। और अब लें चौड़े किनारों वाला डिब्बा, इस पर स्क्रैप बुक का कागज चढ़ाएं, सभी कोनों को अच्छे से चिपकाएं। अब एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लें, उसे डब्बे के माप जितना बॉक्स कटर से काटें, एक मोटी तार लें और उसमें से तीन छोटे रिंग्स बनाएं। अब एक शीट लें जिस पर तारीख, हफ्ते के दिन और महीनों के नाम लिखे हो, इन्हें काट लें। होल पंचर की मदद से इन कागज के पीसेस पर छेद करें। स्टिकर्स की एक गड्डी को इस तरह रिंग पर लगाएं और इन्हें स्ट्रॉ पर इस तरह टांगें, हफ्ते के दिन, तारीख, महीना, चॉकलेट डिब्बे के अंदर लगा दें। डिब्बे को सीधा करें, अपनी नजदीकी पहुंच पर रख दें और स्टिकर्स को रोज पलटना ना भूलें और दिनों का ध्यान रखें। तो आज की तारीख क्या है और ये हफ्ते का कौन सा दिन है? और हम अब बताएंगे कि आप क्या बना सकते हैं पेड़ की शाखाओं के दो छोटे टुकड़ों से। इन पर एक्रेलिक पेंट लगाएं, पेंट को ब्रश से कोमलता से चलाएं ताकि पेंट बराबर से हो। और अब एक फोटो फ्रेम लें, उसकी बैक निकालें और उस पर स्क्रैप बुक का कवर चढ़ाएं, शाखाओं को लें और इस तरह से चिपका दें।
इसके ऊपर छोटी लकड़ी के टुकड़े चिपकाएं, फ्रेम लगा दें। मैं तो भूल ही गई, इसे भी थोड़ा सजाना चाहिए था। अब ये बिल्कुल सही है। फ्रेम को घर के मुख्य द्वार के पास ड्रेसर पर रखें। इस चाबी स्टैंड ने अपनी जिम्मेवारी संभाली। मेरी चाबियां कहाँ है? घर से निकलने से पहले नहीं कहेंगे। अगले लाइफ हैक के लिए गत्ते का एक गोल टुकड़ा लें और उसमें से एक और गोला इस तरह से काटें। अच्छे से रंग लेकर बैकग्राउंड को रंगें। बेहतर है कि आप मोटा ब्रश लें जिससे काम तेजी से हो। बैकग्राउंड के बाहरी किनारों पर वेवी डिजाइन बनाएं और उस पर सफेद पेंट करें। ध्यान से लाइंस के बाहर न जाए। अब एक पतला ब्रश लें और अलग अलग रंग के स्प्रिंकल्स डोनट पर बनाएं। अब कुछ घड़ी का सामान लें, उस पर रंगीन कागज चढ़ाएं और घड़ी की सुइयां उस पर लगाना ना भूलें। डोनट और घड़ी को दीवार पर टांग दें जिससे कि घड़ी सही समय बताए। ये रहा, लोग कहते हैं कि घड़ी धीमी चलती है जब हम उसे देखते हैं, पर ये घड़ी ऐसी नहीं। और अब एक फ्लेमिंगो के प्रिंट वाली तस्वीर, कुछ नकली फूल और एक हॉट ग्लू गन लें। फ्लेमिंगो पर फूल लगाकर सजाएं, थोड़े मोती पंख और बीड्स लगाएं। इन्हें सफाई से लगाएं जिससे ये सजावट पूरे बैकग्राउंड पर लग जाए। अब नकली पौधे लें, पत्तियों को बराबर आकार में काटें जिससे वो फ्लेमिंगो के बैकग्राउंड पर अच्छे दिखे। इन्हें चिपका दें। ये बन गई एक खूबसूरत 3D पेंटिंग। ये बनानी कितनी आसान थी पर देखने में कितनी आकर्षक है। ओह, मेरा टेबल हमेशा इतना बिखरा होता है। परेशानी में तुम जल्दी से इसे कैसे ढूंढ पाओगे? इस परेशानी से निकलने के लिए कुछ गिफ्ट बैग लें, उनके हैंडल काट लें, कुछ डबल टेप के स्ट्रिप को बैग की एक तरफ लगाएं और बैग्स को डेस्क की साइड पर चिपकाएं जिसमें वो बीच में ना आकर हमेशा काम में आ जाए। अपने ऑफिस का सारा सामान इसमें डाल दें। आप इस शानदार आइडिया को 10 में से कितने नंबर देंगे? और अब ले कुछ कांच की टेस्ट ट्यूब्स और एक प्लास्टिक का ढक्कन। ट्यूब्स को ढक्कन पर इस तरह चिपकाएं। उन्हें तले से इस तरह बांध लें जिससे वो गिरे ना। और अब एक मोमबत्ती लें और उसे बॉक्स कटर से पीस लें। मोम को पिघलाएं और उसे टेस्ट ट्यूब में डालें। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है एक लंबी पाइप लेकर। विक्स लगाना ना भूलें, मोमबत्तियाँ इनके बगैर नहीं जलेंगी। इसको सुंदर फूलों और मोतियों से सजाएं। कितना सुंदर है! इस शाम को इससे बेहतर और कोई नहीं बना सकता। और इस आइडिया के लिए कुछ लकड़ी के टुकड़े और कैपिलरी पेन लें। लकड़ी के ऊपर पेन से पंखों वाले पर बनाएं, गुगली आंखें चिपकाएं और चोंच बनाएं। उल्लू एक समझदार पक्षी है, ये हम काफी सारे बना ले तो। और अब कट्स पर धागों से लूप बनाएं। लकड़ी की शाखाओं को इससे सजाएं। और ये रहा आपके पास आपका खुद का ट्री ऑफ विजडम, बहुत ही प्यारा। और अब लें हरी पॉलीमर क्ले, एक टुकड़ा काटें और उसे घुमाकर एक चपटा केक बनाएं। और अब सिलिकॉन की पट्टी के आकार का सांचा लें, उस पर क्ले को दबा दें। किनारों को काट लें, सावधानी से पत्ती को निकालें, उस पर धारियों के सभी निशान छप गए हैं। क्ले का एक और टुकड़ा और एक गोल मोमबत्ती लें। क्ले को मोमबत्ती के आसपास इस आकार में लगाएं। इन टुकड़ों को पैकेट के निर्देश के अनुसार बेक करें। इन पर चमचमाता हुआ हरा एक्रिलिक पेंट करें। पत्ती को बेस पर चिपकाएं। आप पाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत मोमबत्ती। एक और पीस ऐसा ही बनाए और कहीं सामने सजा दे, बहुत ही खूबसूरत। क्या आपको हमारे लाइफ हैक्स पसंद आए? इनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। क्रूम क्रूम को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।